हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था क्लास में कि एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम बड़े बड़े कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, बड़े बड़े जो इक्वेशंस होती है आपकी मैथ्स की वो हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने हमको बहुत सारे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। फॉर्मूलेज बाय डिफॉल्ट हमारे उस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। उस फॉर्मूले से हम हमारे बड़े बड़े जो एल्गोरिथम्स है या फिर कैलकुलेशंस है या फिर इक्वेशंस है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब और वो सॉल्व कर सकते हैं कितना अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम उस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विशेषताएं पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विशेषताएं में सबसे पहले हमारी मुख्य विशेषता यह है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिंपल से सिंपल और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और इसमें बिल्ट इन फॉर्मुलेज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बिल्ट इन फॉर्मुलेज होते हैं। कैसे? हम उसमें एडिशन कर सकते हैं, हम उसमें सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, हम उसमें मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं और हम उसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब भी कर सकते हैं। दूसरे हमारा दूसरी विशेषता हमारी ये, दूसरा फीचर हमारा ये है कि हम हमारे डाटा जो भी है, हम कितना डाटा है और उस हिसाब से क्या फॉर्मूला हमको उस डाटा पे लगाना है, हम वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इजीली कर सकते हैं। तीसरी विशेषता ये है कि हम हमारा डाटा कभी भी इसमें चेंज कर सकते हैं, कोई भी डाटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी स्टूडेंट का नाम इसमें चेंज करना है तो मैं कभी भी मेरी एक्सेल शीट खोल के मेरे स्टूडेंट का नाम इसमें से मैं चेंज कर सकती हूँ। इसके बाद आपकी विशेषता है कि हम उस स्टूडेंट का नाम को रिप्लेस करके दूसरा नाम भी लिख सकते हैं या फिर हम उस स्टूडेंट का नाम डिलीट भी कर सकते हैं। हम दोनों चीजें कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और ऊपर उसके लिख भी सकते हैं। इसके बाद में विशेषता है आपकी कि ऑटोफिल ऑप्शन है। ऑटोफिल ऑप्शन मतलब कि अपने आप हम जैसे उसको कमांड देंगे तो ये अपने आप सीरियल नंबर हमको बताएगा, अपने आप मल्टीप्लीकेशन बताएगा अगर हमने उसको कमांड दी तो, अगर हमने उसको कमांड नहीं दी तो वो नहीं बताएगा। इसके बाद सबसे लास्ट विशेषता आपके बुक में दी हुई है बच्चों कि जो जो भी डाटा हम लार्ज अमाउंट का इसमें फीड कर रहे हैं, मतलब जो भी हम डाटा लार्ज अमाउंट का हम इसमें टाइप कर रहे हैं उसको हम इजिली पढ़ सकते हैं, इजिली हम उस पर एनालाइज कर सकते हैं, उस पर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन जो भी हमको फॉर्मूला लगाने वो लगा सकते हैं और हम इसको कंपेयर कर सकते हैं पहले के डाटा से और बाद के डाटा से। जैसे कि स्टूडेंट्स आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन देख पा रहे हैं, हमको खोलना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आपको पता है कैसे खोला जाता है? विंडोज ऑप्शन में जाके मैं जाऊंगी एक्सेल में जाके मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये ओपन हो गया। अब जो स्क्रीन ये आप देख रहे हैं उसको बोला जाता है वर्कशीट। वर्कशीट में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, ये इसको हम बोलते हैं टूल बार। सबसे पहले यहाँ पे होता है होम में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप आपका टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं, आपका टेबल चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में आपकी वर्कशीट में जो है वो पिक्चर्स डाल सकते हैं, शेप्स डाल सकते हैं, पाई चार्ट्स डाल सकते हैं, जो भी चार्ट्स आपको चाहिए वो डाल सकते हैं, पेज लेआउट आपको जैसे भी लेआउट करना है वो लेआउट आप कर सकते हैं, फॉर्मूलाज में देख सकते हैं आप कितने ऑटो सम ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पास है। इसके बाद में आपके पास मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूलेज आपके पास हैं। इसके बाद आपके पास डाटा ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, डाटा वैलिडेशन है, कॉन्सोलिडेट है, ये सब ऑप्शन से आप आपकी वर्कशीट में काम कर सकते हैं। रिव्यू टैब में जाके आप न्यू कमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी जहां पे भी वर्कशीट में कमेंट देना है वो दे सकते हैं। इसके बाद में व्यू टैब में जाके आपका पेज लेआउट, आपका जो भी आपका वर्क स्पेस है, आपकी वर्कशीट है उसमें आप आपके देख सकते हैं वर्कशीट में
किस तरह से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं हम इसमें। तो ये हमारा बेसिक वर्कशीट के कंपोनेंट्स हो गए। अब है बच्चों आपका कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट। कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट में सबसे पहले आपका है सेल। सेल मैंने आपको बताया था और आपको पता भी है कि सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज इज कॉल्ड सेल्स। ये देखिए, ये जो इंटरसेक्शन है मेरा कर्सर का जहां पर भी है इंटरसेक्शन है, इसको सेल बोला जाता है। ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हैं वो है कॉलम, ये वो है सेल। ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हैं वो है सेल। ये और ये जो सीधे आप वन टू, ये जो सीधी लाइन है वो है रोज, और ये जो आड़ी लाइन है वो है कॉलम्स। ये है उसमें वर्कशीट में हम काम करते हैं। इसके बाद में है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल में बच्चों जैसे कि मैंने अब यहाँ पे लिखा इस वाले सेल में सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो ये यहाँ पे भी शो होगा, आपका ऊपर भी शो होगा और आपका नीचे भी शो होगा, तो ये मेरी एक्टिव सेल कहलाएगी। जिस सेल में मैं काम कर रही हूँ वो मेरी एक्टिव सेल कहलाएगी। अब मेरी है रेंज। अब रेंज, रेंज में मैं जैसे भी मैंने इस कर्सर को डाउनवर्ड्स किया तो ये मेरी रेंज हो गई, मतलब सेल नंबर 1 to cell number 6 ये मेरी इतनी रेंज है। मैं इतनी रेंज में मैं एक्टिव सेल्स में मैं काम कर रही हूँ। इसके बाद में है मेरा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स मैं ऊपर भी दे सकती हूँ नेम बॉक्स, मैं नीचे भी दे सकती हूँ मैं नेम बॉक्स, और मैं यहाँ पे दे सकती हूँ। हमारे पास तीन ऑप्शन है नेम बॉक्स के लिए। इसके बाद में है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार जैसे कि मैंने आपको बताया ये यहाँ पे होता है फॉर्मूला बार। मैं कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे इंसर्ट कर सकती हूँ, एवरेज का, मल्टीप्लीकेशन का, सब्ट्रैक्शन का। जब मेरे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है तब मैं फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ। इसके बाद में है कॉलम हेडिंग्स। कॉलम हेडिंग्स में यहाँ पे ऐसे भी दे सकती हूँ और रो हेडिंग में यहाँ पे ऐसे भी दे सकती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये रो मैंने हाईलाइट कर दी और इसको मैंने हेडिंग दे दिया। अब यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया तो मैं यहाँ पे कॉलम हेडिंग दे सकती हूँ। इसके बाद में है रो हेडिंग्स। रो हेडिंग्स में आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद में स्टेटस बार। स्टेटस बार मेरा यहाँ पे भी मैं शो कर सकती हूँ और स्टेटस बार में यहाँ पे भी शो कर सकती हूँ। ये हो गए आपके यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ सेल। मूविंग अराउंड द स्प्रेडशीट। ये स्प्रेडशीट आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अभी लैपटॉप कीबोर्ड है तो मैं मेरा जो सेल है उसको मैं मूव कर सकती हूँ ऐसे और ऐसे। यहाँ से मैं मेरे स्पेस बार से भी कर सकती हूँ, प्लस ये जो एरो की आप देख सकते हैं मेरी, उससे भी मैं ये देखिए कर सकती हूँ। इसके बाद में है मूव्स वन कॉलम राइट, मूव्स वन कॉलम लेफ्ट। ये मैं मेरी कीबोर्ड से कर रही हूँ। ये देखिए लेफ्ट राइट मैं मेरे कीबोर्ड से भी कर सकती हूँ, मैं मेरे कीबोर्ड से भी कर सकती हूँ, प्लस मैं मेरे स्पेस बार से भी कर सकती हूँ। मूव्स वन रो डाउन, वन रो डाउन के लिए मैं इसको नीचे नीचे करती जाऊंगी कीबोर्ड की हेल्प से। इसके बाद मूव्स द एक्टिव सेल हाईलाइट। पेज अप में मैं पेज अप का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए ये पेज अप का ऑप्शन है, लेकिन मेरे पेजेस यहाँ पे मैंने बनाए नहीं है इसलिए वो पेज अप मेरा होगा नहीं। आप जब पेजेस बनाएंगे तब वो पेज अप होगा। इसके बाद में है पेज डाउन। पेज डाउन मेरा जो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मेरा पेज डाउन का ऑप्शन है, यहाँ से मैं पेज डाउन कर सकती हूँ। ये देखिए सेल की यहाँ पे सीरियल नंबर चेंज हो गई है तो मैं पेज डाउन यहाँ पे कर सकती हूँ। इसके बाद में है कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम में मैं कंट्रोल प्लस होम की दबाऊंगी तो मेरा जो होगा वो एक्टिव सेल हाईलाइट हो जाएगी। इसके बाद में है मेरा कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एंड की मैं दबाऊंगी तो मेरा क्या होगा, जो स्प्रेडशीट है वो पॉइंटर से मूव हो जाएगी। ये है मेरे मूविंग अराउंड द स्प्रेडशीट। एंटरिंग द डाटा। मेरी वर्कशीट यहाँ पे खुली है बच्चों। अब मैं यहाँ पे डाटा एंटर करूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी वीकली एक्सपेंसेस।
जिस सेल में मैं मेरा कर्सर लूंगी वहां पे वो शो होगा। जैसे मैंने ये लिया वीकली एक्सपेंसेस, ये मैंने लिखा वीकली एक्सपेंसेस। अब जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है वैसे मैं इसको मार्जिन सेंटर कर दूंगी। मार्जिन सेंटर ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये मार्जिन सेंटर मैं इसको मैंने कर दिया। अब इसके बाद में मैं इसको कलर भी दे सकती हूँ मेरी मनपसंद का। यहां से मैं इसको कलर भी दे सकती हूँ मेरी मनपसंद का। अब यहां पर मैंने सेल लिया, यहां पर मैंने लिखा आइटम, फिर मैं यहाँ पे गई। मैंने आपको जैसे बताया था एरो कीज से भी मैं यहाँ पे ऐसे जा सकती हूँ और मैं मेरे स्पेस बार से भी जा सकती हूँ। तो आइटम के बाद मैंने लिखा मंडे, मैं एरो की से जा रही हूँ जो कि मेरे कीबोर्ड में है अवेलेबल। ऐसे करके मैं डाटा मेरा एंटर पूरा करूंगी। आप ऐसे करके पूरा आपका डाटा जो कि है वो एंटर कर सकते हैं। अब मैं इसको कलर करूंगी, कलर मैं इसमें रेड कलर करूंगी। ये देखिए इसको मैंने बोल्ड कर दिया, ये देखिए ये बोल्ड हो गया। ऐसे करके मैं इसको मेरा जो मार्जिन सेंटर वाला जो वीकली एक्सपेंसेस मैंने लिखा था मैं उसको भी ऐसे ही कलर कर सकती हूँ। आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरे को, उसके बाद ही ये कलर होगा। ऐसे करके आप आपका डाटा पूरा एंटर कर सकते हैं एरो की मदद से। ये वाला जो एरो की है जो कि राइट की तरफ जा रहा है, उसके बाद हम इसको लेके इधर नीचे नीचे करके एरो की भी हम पूरा जो टेबल है हमारा पूरा टाइप कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये चार्ट बनाया है जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे ये जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया है, तो मैं यहाँ पे ये जो प्लस का साइन आप देख सकते हैं यहाँ से इसको मैं ऐसे एक्सपांड करूंगी तो ये सेल जो है मेरा एक्सपांड हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने सेल को मेरे एक्सपांड कर दिया है यहाँ से। इधर इधर ऊपर मैं टाइटल बार में जाके जहाँ पे अल्फाबेट्स लिखे हैं वहां पे प्लस साइन से मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बार से मैं एक्सपांड करूंगी तो मेरा ये एक्सपांड हो जाएगा। अब ये यहाँ पे जितने भी फिगर्स आपकी बुक में दिए हैं मैं यहाँ पे इसको पुट करूंगी और यहाँ पे फॉर्मूलाज लगाऊंगी। टाइप्स ऑफ डाटा में बच्चों आपके बुक में दिया हुआ है नंबर्स, टेक्स्ट एंड फॉर्मूला। तो ये जो नंबर्स मैंने सेल में पुट किए हैं दिस इज अ टाइप ऑफ नंबर है ये पहला टाइप आपका। उसके बाद दूसरा टाइप है आपका टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट मैंने ऊपर रेड कलर में देख सकते हैं आप, ये मैंने जो टेक्स्ट इनपुट इसमें किया हुआ है ये भी डाटा है, टेक्स्ट डाटा है। और इसके बाद में फॉर्मूला। अब फॉर्मूला मैं जैसे इसमें पुट करूंगी, फॉर्मूला कैसे पुट करूंगी मैं, ये जो मंडे वाली जो सेल है मंडे से लेके ट्यूसडे तक में जो सेल है उसको मैं पूरा सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ऑटो सम में जाऊंगी। जैसे ये ऑटो सम होगा तो ये देख सकते हैं आप कि ऑटो सम में मैंने क्या करा, ऑटो सम में किया तो ये जो सेल्स है मेरी वो शो हो गई और इसका पूरा जितना भी ग्रैंड टोटल है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब इसके बाद में है परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस में आपको बता चुकी हूँ ऑटो सम से हम परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस यहाँ पे कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको डिविजन लेना है, मल्टीप्लीकेशन लेना है तो आपको ये सब सेल्स सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सेल सिलेक्ट करने के बाद ये डॉट्स डॉट्स जो से शो हो रहे हैं मेरी स्क्रीन पे वैसे आपको आपकी भी स्क्रीन पे शो होंगे। इसके बाद है वर्किंग विथ
वर्कशीट। वर्किंग विथ वर्कशीट में सबसे पहले है स्विचिंग बिटवीन वर्कशीट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे शीट वन, शीट टू, शीट थ्री। मुझे मैंने सोचा कि शीट वन से कुछ डाटा मैं शीट टू में कॉपी कर लूं, तो मैं शीट टू में स्विच कर सकती हूँ। फिर शीट टू से मैं कुछ डाटा अपना शीट थ्री में मूव करूं, तो मैं शीट थ्री में इसको मूव कर सकती हूँ। इसके बाद में है रिनेमिंग अ वर्कशीट। शीट नंबर वन को मैंने रिनेम करा राइट क्लिक करा। जैसे ही मैंने शीट वन को, वैसे ही मैं इसको रीनेम कर सकती हूँ। रीनेम, सबसे पहले मुझे ये फाइल सेव करनी पड़ेगी, उसके बाद मेरा ये शीट रीनेम होगा। रीनेमिंग अ वर्कशीट, जैसे कि मैंने बोला था आपको स्विच कर सकते हैं ये शीट्स। अब मैं शीट वन पे जाऊंगी और मैं राइट क्लिक दबाऊंगी, तो मैं यहाँ पे से इसको रीनेम कर सकती हूँ। मैंने इसको नाम दे दिया HDS, इसको मैंने नाम दे दिया HDS। इसके बाद में मैं इसको मूव भी कर सकती हूँ, ये मैंने रीनेम कर दी। अब मैं इसको यहां से, ये देखिए, ये मूव भी कर सकती हूँ। ये फर्स्ट शीट वन यहाँ पे थी, शीट टू यहाँ पे आ गई। इसको मैं यहां से ऐसे उठाऊंगी और ऐसे मूव भी कर सकती हूँ। ये देखिए, ऐसे करके मैंने इसको मूव भी कर दिया। अब है मूविंग अ वर्कशीट। मूविंग अ वर्कशीट हो गया हमारा, और एडिंग अ वर्कशीट। एडिंग वर्कशीट देखिए, यहाँ पे ये जो शीट थ्री है, शीट थ्री के बाद यहाँ पे आपको एक ऐसा साइन दिखेगा, साइन में शीट फोर यहाँ पे ऐड हो गया। ये देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया वैसे शीट फोर ऐड हो गया यहाँ पे। अब ये सेविंग अ वर्कशीट। सेविंग अ वर्कशीट में मैं जाऊंगी यहाँ पे मेरे विंडोज बटन में। विंडोज बटन में जाने के बाद मैं इसको सेव एस कर दूंगी। जहां पे भी मुझे सेव करनी होगी, डेस्कटॉप पे, सी ड्राइव में, एफ ड्राइव में, डी ड्राइव में, मैं उसको सेव कर दूंगी। ये हमेशा बुक वन के नाम से सेव होती है। इसका एक्सटेंशन बुक वन के नाम से ही होगा। एक्सेल वर्कशीट का एक्सटेंशन आपको बता देती हूँ मैं, बुक वन के नाम से ही सेव होता है। हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। आपको बुक वन रखना है, बुक वन रख सकते हैं। मैंने इसको HDS के नाम पे डेस्कटॉप पे ये सेव कर दिया। अब मैं, हमने वर्कशीट सेव कर ली थी बच्चों डेस्कटॉप पे, तो ये मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन है। अब देखिए, HDS के नाम से मैंने सेव कर ली थी एक्सेल शीट। अब ये देखिए, HDS शीट मैं ओपन करूंगी, और जिस शीट पे मैंने काम किया था उस शीट पे मैं काम वापस अपना शुरू कर सकती हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।